हमको लग रहा है दोस्तों अब की बार रावण को ना पानी में डुबो कर मारेंगे, क्योंकि उधर ध्वनि प्रदूषण और उधर वायु प्रदूषण है कि नहीं। तो दोस्तों जैसा कि अब की बार दो न्यूज़ आ रही हैं सुनने में, जो कि आप लोगों को ना पता हो तो मैं बता दूंगा, तो आप थोड़ा गौर से सुनिएगा और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो कि हाई कोर्ट इलाहाबाद का आदेश है, जो कि अभी कल ही या परसों में ये न्यूज़ अपडेट हुई है, तो उसने सुनवाई कर दी है। तो वो दो न्यूज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। जैसा कि अभी सुनाई मिला था कि 1,00,000 रुपये जुर्माना और 5 साल की सज़ा अगर आप डीजे बजाते हो, तो बिल्कुल ये अब नहीं है, ये हट गया है। और उससे क्या होगा अब आपको बता दूँ, अब क्या अपडेट निकल कर आई है। अब अपडेट ये निकल कर आई है, अगर आप पहली बार पकड़े गए तो 1,00,000 का जुर्माना, अगर दूसरी बार पकड़े गए तो आपको 5,00,000 का जुर्माना, अगर आप तीसरी बार पकड़े गए तो भैया 10,00,000 का जुर्माना आपको देना होगा। ये नया अपडेट निकल कर आया है। और दूसरा क्या है? आपको बताया दे रहा हूँ, दूसरा ये है कि अगर आप बारात टिकाते हो, जैसे कि मतलब कि बारात हुई भैया मान लो कि 100 मीटर से अगर दूरी पे टिकाते हो, तो वो भी अब नहीं टिकेगी, उस पर भी आपको केस हो जाएगा। अगर घर वालों के ऊपर, अगर आप मान लो कि 100 मीटर से दूरी पर करते हो, तो आपको 100 मीटर के अंदर ही आपको बारात टिकानी होगी, वहीं पे 100 मीटर के अंदर ही उछल लो, कूद लो, उसी में जश्न मना लो। ये नहीं हो सकता आपकी, यहाँ पर हम आधा किलोमीटर 500 मीटर पर बारात टिका सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप 100 मीटर के अंदर ही बारात टिकाओगे। ये दो न्यूज़ अपडेट आपको मिली है, सही है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और भी डीजे की और भी अपडेट सुनने के लिए इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर लें। मैं हमेशा डीजे से रिलेटेड टॉपिक और न्यूज़ देता रहता हूँ, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूल।